अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सबक जहाँ में आप सबका स्वागत है। आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक, और जिनकी ईद कल हो गई थी उनको भी बहुत सारी ईद मुबारक। और ये देखिए हमने चांद रात में क्या किया। तो देखिए यहाँ पे भाभी लाइट्स लगा रही है और हम लोगों के पास टेप नहीं है, तो वो आटे से लाइट को चिपका रही है। मतलब वाह, क्या आइडिया है भाभी। तो अभी यहाँ पे कितना बज रहा है सर? अभी दो बजने वाले हैं। हम लोग नीचे के काम से फ्री हुए हैं, भाभी ऊपर के काम से फ्री हो गई होंगी। तो अभी हम लोग मेहंदी लगवाने जा रहे हैं भाभी से, और इसके आगे मैं आपको दिखाती हूँ। चलो अभी चांद रात में तो हम लोग सोते नहीं हैं, और ईद के दिन बहुत नींद आती है, लेकिन ये हमेशा का ही उसूल है। आती ही नहीं आप लोगों को? आती है क्या? अच्छा लग रहा है। देखो भाभी ने कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है घर, लाइट्स लगाई है। भाभी क्या कर रही? क्या कभी फोन ले जाती है? अरे तो गिरा करो, जैसे हो वैसे दिख जाओ। आप तो हमेशा अच्छे लगते हो माशाल्लाह भाई, हम लोगों को सोचना पड़ता है। कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। अच्छा ठीक है ठीक। कितना प्यारा लग रहा है। मम्मी को नींद में उठा के बुला लिया मेहंदी लगाने के लिए। नींद आ रही है मम्मी? चांद रात के दिन सोना मना है, चांद रात की रात सोना मना है अपने हिसाब से। इतने पास से मतलब ऐसे इतने बड़ा मुंह है आपका। आपने वो इतनी अच्छी लगाई है, वैसे ही वाली कुछ लगा दी थी। मैंने 2 घंटे में बता दी थी ना। ये तो कुछ नहीं, बस यही किया। और इसमें भी कितना टाइम लग गया ना लाइट्स लगाने में। इतने फ्लावर्स बताओ, कील नहीं मिली तो आटे ने काम कर दिखाया। ऊपर भी आटा लगाया, नीचे भी आटा लगाया। हाँ मतलब मैं ऐसे रहूँगा। कितना आपको तो आधे पौने घंटे में खत्म हो जाएगा? आधे घंटे में ठीक है, हो गया ना। बस हमको तो ऐसे फ्लावर बनवाना है। कुछ बोल दो भाई, चांद रात है, रमजान चले गए। हाँ रमजान चले गए। कितना उदास है भाई, मतलब सदमे में बैठे थे इफ्तार के बाद। मैं बहुत ज़्यादा उदास था, क्योंकि पता नहीं इस बार कुछ ऐसा खास रहा है रमज़ान के, बहुत ज़्यादा दिल के करीब एक्चुअली हमेशा होते हैं, बट इस बार शायद ज़्यादा वक्त मिला इबादत करने के लिए। कुछ खास रमज़ान थे इस बार तो। हाँ थोड़ा एक्चुअली बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कुछ देर के लिए, तो मैं बिल्कुल ऐसा हो गया था कि अरे यार क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों रमज़ान जा रहा है। बट कोई नहीं, कल ईद है और ईद भी बहुत ख़ास है इस बार। जैसे कि कह सकते हैं आपके सब्र वाली ईद है इस बार। तो बस लोग कई मेरे पास लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि बहुत से लोग मायूस हैं, उदास हैं कि ईद है, वो कहीं जा नहीं पा रहे हैं, जो अपने रिश्तेदारों से दूर हैं उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, और शॉपिंग नहीं हो पाई कई लोगों की ऐसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मायूस होने वाली कोई बात नहीं है, और बल्कि बहुत खुशी वाली बात है कि बेशक अल्लाह हमसे नाराज़ है। जैसे कि आप कह सकते हैं, जैसे एक माँ बाप होते हैं जब अपने बच्चों से नाराज़ होते हैं तो वो बच्चों को गुस्से में घर से बाहर निकाल देते हैं कभी कभी कर। तो बस वैसे ही आप समझ लीजिए कि अल्लाह भी हमसे नाराज़ है, इस वजह से उन्होंने मस्जिद के दरवाज़े बंद कर दिए हैं। तो हमें उन्हें मनाना है जैसे अपने माँ बाप को मनाते हैं, वैसे मनाना है। और बल्कि ये तो बहुत अच्छा मौका है एक किस्म से अगर देखा जाए तो, क्योंकि कहते ना कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। इस बार तो हर मुसलमान सब्र के साथ ईद मना रहे हैं। तो सोचो, बल्कि आपको अपने करीब कर रहा है कि सब्र करो, सब्र में त्यौहार मनाओ और मेरे करीब हो जाओ। तो मायूस ना हो और बस ईद मनाओ। वीडियो कॉल में कोई रोक नहीं है, आप अच्छा अच्छा खाना खाइए, गरीबों तक पहुँचाइए, जो भूखे हैं ज़रूरतमंद हैं उन तक चीज़ें पहुँचाइए, और ईद ऐसे ही मनाइए। ईद मुबारक। सर मैं जा रहा हूँ नीचे,
क्योंकि सब ऊपर हैं और पापा अकेले सो रहे हैं और बच्चे दो रिजर हैं जो हमारे खाला के बच्चे हैं सब पूछते हैं सब सुन लो, जो रिजा और जो रेहान है ना वो हमारी खाला हैं, उनके बच्चे हैं, यहीं पे रहते हैं, यहीं पे पढ़ते हैं, तो आई एम श्योर अब आप लोग क्लियर हो गए होंगे। तो वो बेचारे अभी अकेले हैं जो कि नीचे पापा जो हैं वो अकेले सो रहे हैं, तो अब मैं उनको ऊपर भेजूंगा और मैं उनके पास जाऊँगा ताकि थोड़ी सी चांद रात के मजे ले लें, उनकी जान यहाँ पे अटकी होगी। चलिए अल्लाह हाफिज। भूख लगाई? तुम्हें भी भूख लगाई रेहान? तुम्हें कब नहीं लगती रेहान? मैं अपनी जो मैंने मेन्यू डिसाइड किया है और थोड़ी थोड़ी रेसिपीज लिखी हैं वो रेफर कर रही हूँ और तैयारी शुरू कर रही हूँ। हाँ, अभी कितना बज रहा है? रात का 3-4 बज रहा होगा। हाँ, आई थिंक सुबह के 4 बज रहे हैं। तो आप सोने नहीं वाले हो? नहीं, आज नो स्लीपिंग ओनली कुकिंग। थोड़ी देर सो जाएगा लेकिन जब तक खाना नहीं बनेगा तब तक नींद नहीं आएगी, तो बेटर है कि मैं ना सोऊं। ठीक है, आप करो, अगर कुछ हेल्प चाहिए तो बता दीजिएगा। हाँ। प्याज काटना नीचे? नहीं अभी तो नहीं, सुबह फिर सुबह सुबह काटते हैं। तो मैं जाऊं? बिरयानी के ही लगेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। देखो भाभी ने कितनी अच्छी मेहंदी लगाई, कल इसका अलग से फोटो दिखाएं। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़। क्या दे रहे हो? कितनी रात हो चुकी है। सुबह के 8 बज गए और नींद नहीं आई, पूरी रात ऐसे जगते हो गया। तो मैंने सोचा जब नींद नहीं आ रही है तो चलो थोड़ा सा स्किन केयर कुछ कर लेते, मतलब ताकि ईद के दिन फेस ग्लो करे। तो मैंने ये मास्क बना लिया है और इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। आप सबके साथ भी होता होगा ना कि मतलब रात भर नींद नहीं आया, फिर ईद के दिन नींद आती है। यहाँ अम्मी ड्राई फ्रूट्स कट कर रही हैं सेवैयाँ बनाने के लिए। क्या कर रही हूँ अम्मी? ड्राई फ्रूट काट रही हूँ सेवैयों के लिए। अच्छा, शीर कोरमा बनाने के लिए भी अम्मी ड्राई फ्रूट्स काटती हैं। आपने थोड़ी देर सो लिया है अम्मी, लेकिन 1-2 घंटे ही सोई है। मैं तो वो भी नहीं सोई अभी, और अभी नींद नहीं आ रही। अभी डिसाइड भी नहीं किया कि कौन से वाले कपड़े पहनूँ। अम्मी आपने कर लिया डिसाइड? अभी नहीं, अभी थोड़ी देर बाद फिर देखूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डिसाइड करने क्या पहनते हैं। उसको आयन वायन करके रखते हैं, उसके साथ की मैचिंग की चूड़ियाँ निकालते हैं। वैसे तो हम हमेशा चांद रात पे बाज़ार जाते थे, लेकिन इस बार नहीं है। लेकिन मेरे पास है कलेक्शन चूड़ियों का, वो मैं आपको दिखाऊंगी ईद वाले ब्लॉग में।
तो अभी हम लोग जा रहे हैं डिसाइड करने, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। मैंने इतनी रात में जग के बनाया है, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को थोड़ा प्यार दे दें। और मैं जल्दी आपको मिलूंगी ईद वाले ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।